12 मई 1967 की वाणी का तीसरा पेज। अभी कोई भी अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं तो सतु प्रधान पावन थे। अभी तो सब तमो प्रधान बन गए, पतित पुजारी बन गए हैं। ये बात ही बाप बैठ समझाते कि जो पावन देवताएं थे वो ही पतित और पुजारी बन गए। भगवान वाचे और भगवान एक ही है जो सबका बाप है। कोई भी मनुष्य मात्र ये नहीं कह सकता कि भगवान मेरा बाप नहीं, चाहे कितना भी बड़ा धर्म पिता हो। वो धर्म पिताएं होते हैं ग्रेट फादर्स, वो एक ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। बाप एक ही बार भारत में आते हैं, वो धर्म पिताएं तो आते ही रहते हैं। बाप एक ही बार आकर के भारत को नरक से स्वर्ग बनाए देते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि जब आते हैं तो पुरुषों में उत्तम कौन है वो प्रत्यक्षता होने लगती है। नंबरवार पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होने लगते हैं। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि नंबरवार पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष होते हैं और हर धर्म में वो श्रेष्ठ आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं जो नंबरवार बनती है वो माला के रूप में सिमरण की जाती है। ये संगम युग कलयुग से सतयुग पतित से पावन बनने का युग है। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में होते हैं पावन मनुष्य, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। क्या पुरुषोत्तम संगम युग कब कहा जाता है? जब बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। 68 तक पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहा जाता क्या? क्यों नहीं कहा जाता? क्या ब्रह्मा के तन में आते नहीं थे? शिव बाप ही तो आते थे। फिर जिस तन में आते हैं वो ही पतित से पावन नहीं बनता, तो दूसरे कैसे बन सकते? मनुष्य तो ये भी नहीं जानते हैं कि हम आत्मा निर्वाण धाम की रहने वाली है। वो है पानी वाणी से परे का धाम। और इस दुनिया में तो कितनी आवाज हो गई है,
वाणी बिगर मनुष्य रह नहीं सकते। आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो निर्वाण धाम में भी रहेंगे, देवान में है तो निर्वाण धाम वासी नहीं हो सकते। ये वाणी का धाम है।